ओके हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल व्हाट एंड लेट। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, और आज हमारा पार्ट फोर है उसका। और फिर हम 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पर। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। IC इज इक्वल्स टू बीटा IB प्लस वॉट। देखिए, ये कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन की बात है, और कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन में जो IC होता है वो होता है बीटा IB प्लस ICEO। ये ICEO जो होता है ये लीकेज करंट कहलाता है आपके कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इस सवाल का करेक्ट आंसर है C। ठीक, ध्यान रहे इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लीकेज करंट के रिलेशनशिप्स जरूर आप ध्यान से पढ़ के जाएं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक और फॉर्मूला है लीकेज करंट का ही। IC बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस ICEO। ये भी एक तरीका है कॉमन एमिटर में लीकेज करंट को स्पेसिफाई करने का। तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब भी क्या है, इसका जवाब है ICEO। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। फाइन, अब आपको एक बात का ध्यान देना है कि एक और रिलेशन है जो कॉमन एमिटर के लीकेज करंट, जो कि कहलाता है ICEO, और कॉमन बेस का जो लीकेज करंट होता है वो होता है ICBO। इन्हें रिलेट करता है आपस में, वो होता है ICEO इज इक्वल्स टू ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। और कॉमन बेस का जो कलेक्टर करंट का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ लीकेज करंट वो होता है अल्फा IE प्लस ICBO। ठीक, इन सब फॉर्मूलेस को ध्यान से याद रखें। ये ध्यान रखें कि ये किसका होता है, दिस इज ऑफ कॉमन बेस, और ये किसका है, दिस इज ऑफ कॉमन एमिटर। ठीक, तो अगर कहीं सवाल मिले कि ICEO किसके बराबर है, तो ध्यान रहे वो ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा के बराबर है। ठीक, तो इस सवाल का जवाब भी था ICEO। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। IC इज इक्वल्स टू, बोल रहा है कि IC इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस, पूछ रहा है कि क्या टर्म आना चाहिए जिसके अपॉन में 1 माइनस अल्फा हो। तो देखिए, लास्ट स्लाइड में ही मैंने आपको बताया कि IC इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा IB प्लस ICEO। ये उसका लास्ट स्लाइड का आंसर था, और मैंने आपको लास्ट स्लाइड के एक्सप्लेनेशन में ही बताया था कि लीकेज करंट ऑफ कॉमन एमिटर जो होता है, ये किसका लीकेज करंट है कॉमन एमिटर का, ये किसके बराबर होता है, ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा के। ये ICBO किसका लीकेज करंट है, ये आपका कॉमन बेस का। ठीक, तो आपको दिख रहा है कि इसका आंसर जो टर्म है वो पूरा कलेक्टिव टर्म ICEO है, लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो आपको पता है कि ICEO इज इक्वल्स टू ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ICBO। फाइन, तो ध्यान रहे ये लीकेज करंट्स की 3-4 इक्वेशन है, इनको जरा ध्यान से आप तैयार करें। इनके ऊपर पेपर में डेफिनेटली कोई क्वेश्चन या तो रिलेशनशिप के ऊपर आएगा या फिर कुछ भी न्यूमेरिकल भी आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 3 क्वेश्चन जो थे स्टार्टिंग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर कॉन्फिग्रेशन इज विच अरेंजमेंट। तो देखिए ध्यान रहे, ये इसका आंसर कॉमन एमिटर है। क्यों, क्योंकि जो गेन होता है कॉमन एमिटर का वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो जैसे जैसे अल्फा यूनिटी को अप्रोच करेगा बीटा जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। फाइन, तो जो मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा कॉमन एमिटर होता है, इसलिए क्योंकि उसका गेन क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, 6th,
ट्रांजिस्टर सिग्नल इन ट्रांजिस्टर अ सिग्नल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डैश सर्किट, हाई रेजिस्टेंस टू लो रेजिस्टेंस, लो टू हाई, हाई टू हाई और लो टू लो। तो दोस्तों हम सबको पता है कि ट्रांजिस्टर अगर हमने बनाया है, मान लीजिए हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया है, तो हमेशा हम उसके बेस एमिटर जंक्शन को क्या करते हैं, बेस एमिटर जंक्शन को हम क्या करते हैं, इसे हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं। ये इसका एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो बेस एमिटर जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस है, और कलेक्टर बेस जंक्शन को हम क्या रखते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन को हम रखते हैं हमेशा रिवर्स बायस्ड। फाइन, तो ट्रांजिस्टर बेसिकली है क्या, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस है, सिग्नल लो रेजिस्टेंस के पाथ से हाई रेजिस्टेंस के पाथ में फ्लो होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है दैट इट इज सिग्नल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि देखिए एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है तो उसका लो रेजिस्टेंस होगा, और सिग्नल ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, कलेक्टर बेस जंक्शन में, जिसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वो हाई होगा क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है। अ हीट सिंक इज यूजुअली जनरली यूज विद अ ट्रांजिस्टर टू। देखिए हीट सिंक का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक्सेसिव टेम्परेचर राइज, जब ट्रांजिस्टर ऑपरेशन होता है तो बहुत हीट जनरेट होती है, तो एक्सेसिव टेम्परेचर राइज को प्रिवेंट करने के लिए हम हीट सिंक का यूज करते हैं। फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन अ ट्रांजिस्टर आई सी इज गिवन 100 मिली एम्पियर, आई ई इज 100.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। इट इज वेरी सिंपल, ऑल ऑफ यू नो, कई क्वेश्चन हमने पहले भी देखे हैं, दैट बीटा इज इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई बी, दिस इज फॉर कॉमन एमिटर। फाइन, अब क्या क्या गिवन है हमें, हमें आई ई गिवन है, तो एक और फॉर्मूला है आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, ये लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। तो यहां से आप क्या करेंगे, आप आई बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसे यहां पर पुट कर देंगे, तो जब आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या वैल्यू आएगी आपकी बीटा की, बीटा जो होगा वो होगा आपका आई सी यानी कि 100 अपॉन आई ई माइनस आई सी, जो कि आएगा आपका 0.5। तो कितना आंसर आएगा, 200। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज 200, दैट इज पार्ट डी। मूविंग फॉरवर्ड, अ बीजेटी इज अ, ध्यान रहे बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, और एफईटी, आगे हमारे वीडियो एफईटी पे आएंगे, एफईटी होती है आपकी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। फाइन, तो इसका सही ऑप्शन जो है, उस सही ऑप्शन क्या है, दैट बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। फाइन, और आज का जो लास्ट सवाल है हमारा वो है, द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन डैश अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट। तो इस बात को ध्यान रखें कि इनपुट इम्पिडेंस जो होता है वो हमेशा कॉमन कलेक्टर का हाई होता है। देखिए ये टेबल याद कर लीजिएगा कि कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस में क्या डिफरेंसेज हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। तो फिलहाल के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो जो होता है वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फिग्रेशन में बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 सवाल बीजेटी के ऊपर, और हमें उम्मीद है कि आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इनसे आने चाहिए। कल हम स्टार्ट करेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसके ऊपर 10 क्वेश्चंस लाएंगे, जो कि यूनिट 2 का दूसरा पार्ट है ट्रांजिस्टर का। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।